आज हम आपको वीआर फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर पढ़ाने वाले हैं। ये वाला पेपर जो है बाल्य अवस्था एवं विकास का है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, तो देख लेते हैं फिर इसमें क्या है। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी बाल्य अवस्था विकास के संप्रीतीय एवं प्रक्रिया की भूमिका है इसमें, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास का अर्थ क्या है या बाल विकास की परिभाषा क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में उसकी प्रकृति और महत्व की विस्तृत विवेचना भी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है पेपर में, वो क्वेश्चन में पूछ लेगा बाल विकास से आप क्या समझते हैं, यही पूछ लेगा बाल विकास का अर्थ बताइए या बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पेपर में। या बाल विकास से क्या अभिप्राय है, इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाल विकास का अर्थ और एवं परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिर, बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषा को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, ठीक है। जो बाल विकास है उसको, उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को जो है कुछ विद्वानों ने इस प्रकार स्पष्ट किया, यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं, ठीक है, बाल विकास के संबंध में। तो यहाँ पर हम उसे ही देखेंगे, ठीक है। तो बर्क के अनुसार क्या है बाल विकास की परिभाषा, देख लेते हैं यहाँ। बर्क के अनुसार क्या है परिभाषा देख लेते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा, यानी कि जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। बाल विकास क्या है, एक मनोविज्ञान की शाखा है। जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। किसकी शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। और इसके अंतर्गत क्या आता है देख लेते हैं, कि जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था, यानी कि एक जब शिशु का जन्म होता है, एक तो वो हो गया कि शिशु का जन्म हो गया, ठीक है, जन्म के बाद, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, जन्म पूर्व अवस्था, ठीक है। तो इसमें जो है जन्म से पूर्व अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब शिशु का निर्माण होता है जहाँ से, ठीक है, वहाँ से गर्भावस्था से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जन्म पूर्व अवस्था यानी कि गर्भावस्था से अध्ययन किया जाता है, जन्म से नहीं किया जाता है बल्कि गर्भावस्था से उसका जो है अध्ययन किया जाता है। और कब तक किया जाता है, परिपक्व अवस्था तक जो है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जन्म पूर्व अवस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप परिभाषा समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे परिभाषा आती रहेंगी आपको सभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। क्रो और क्रो के अनुसार, यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है इसमें देख लेते हैं, कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि जो बाल विकास है, ठीक है। तो बाल विकास यानी कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, यानी कि जो व्यक्ति का विकास है उसका जो अध्ययन है वो गर्भकाल, जो मैंने अभी बताया था ऊपर, कि जन्मपूर्व का मतलब क्या है, जन्म पूर्व अवस्था का मतलब है कि गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक जो है उसका सभी परिवर्तनों का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जितने भी परिवर्तन होते हैं गर्भावस्था से लेकर जितने भी परिवर्तन होंगे, ठीक है, वो परिपक्व अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाएगा। तो वो बाल विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बाल विकास किसके अंतर्गत आता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक अध्ययन है, चाहे कि वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन जो है, जो व्यक्ति का जो विकास होता है, ठीक है, जो व्यक्ति का विकास है वो जन्म से नहीं करते हैं उसका अध्ययन, बल्कि गर्भकाल से करते हैं, यानी कि गर्भावस्था से उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यानी कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन जो है वो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि गर्भकाल यानी कि गर्भावस्था में जब शिशु होता है, ठीक है, उसका जैसे कि निर्माण हो रहा है, जितनी भी अवस्था होती है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, ठीक है। ये तो गर्भावस्था में जितने भी परिवर्तन होंगे उसका भी अध्ययन किया जाएगा, और साथ में जब शिशु का जन्म हो जाएगा उसका भी अध्ययन किया जाएगा, और जन्म गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि परिपक्व अवस्था यानी कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी, यानी कि एक व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती है, और कहाँ तक चलती है, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
फिर आगे परिभाषा देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी क्रो एंड क्रो की परिभाषा हो गई, और ऐसी ही वर्क की परिभाषा हो जाती है, यानी कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक सभी सभी परिवर्तनों का स्पष्ट स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, सभी चीज़ों को, जितने भी परिवर्तन होंगे सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, परिवर्तन ऐसी क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ठीक है, और एक और परिभाषा देखते हैं। आपको परिभाषा जरूर समझनी है और साथ में याद भी करके लेके जानी है, और आप परिभाषा पेपर में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप कम से कम दो परिभाषा तो आपकी याद होनी ही चाहिए। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको परिभाषा जरूर लिखनी है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 पेज का आपको लिखना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 पेज का लिखना ही लिखना है। ठीक है, कम से कम तो 6 पेज का होना ही चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपके और फ्लो चार्ट जरूर बनाना, आपके 70% से ऊपर ही नंबर आएंगे, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आएंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक करना। ठीक है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी जेम्स ड्रेवर की। इसमें कह रहे हैं जेम्स ड्रेवर जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक। ठीक है, आई जेकम क्या कहते हैं? आई जेकम के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें जो है आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें जो है आपको गर्भकालीन अवस्था, इसमें देखो कितनी बहुत अच्छी परिभाषा है आई जेकम की। इसमें देखो एक एक शब्द लिखा हुआ है कि कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं अध्ययन की जाती हैं। देखो सबसे पहले तो की जाती है गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जन्म और शेषावस्था का भी अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था का भी अध्ययन किया जाता है, किशोरावस्था का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, एक 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 जौन सी अवस्था है उसमें अवस्था लिखी हुई है, जिस अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसमें अवस्था लिखी हुई है, उसमें ऊपर की परिभाषाओं आपको क्या दे रखा है, उसमें सिर्फ दो ही शब्द दे रखे हैं कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। ठीक है, उसमें दो ही शब्दों में आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें जो है जिस जिस अवस्था का अध्ययन किया जाता है वो अवस्था इसमें इस वाली परिभाषा में लिखी हुई है। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था, जन्म और शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा जरूर याद कर लें, बहुत अच्छी परिभाषा। ठीक है, तो सिंपल सी फंडा है इसमें। देखो गर्भकालीन अवस्था होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद जन्म होगा, जन्म के बाद शेषावस्था होगी, शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, बचपन आता है। ठीक है, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद परिपक्व अवस्था तक आती है। ठीक है, यानी कि परिपक्व अवस्था आती है तो वहाँ तक जो है यह अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो आपके लिए इतनी परिभाषा बहुत है। ठीक है, तो कम से कम आप दो परिभाषा जरूर याद कर लें। ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं। क्या है, मैं सहरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जो मेन मेन है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आके बहुत हद तक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें क्या, इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का जो प्रारंभ है वो जन्म से नहीं होता, जन्म यानी कि शिशु का जन्म हो जाता है तो वहाँ से नहीं है, मतलब कहाँ से है, गर्भकालीन अवस्था से है, यानी गर्भावस्था से है। ठीक है, मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता है बल्कि गर्भावस्था से ही होता है, जब उसका निर्माण होता है। ठीक है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा। ठीक है, ये जितनी भी अवस्था है गर्भावस्था में, जितनी भी अवस्था होती है, ठीक है, जितने भी महीने हैं, ठीक है, 9 महीने होते हैं, तो उसमें जितना भी परिवर्तन होगा, ठीक है, गर्भावस्था में उसका भी अध्ययन किया जाता है, और फिर उसके बाद जब जन्म हो जाएगा शिशु का उसका भी अध्ययन किया जाएगा, फिर शेषावस्था का अध्ययन किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाएगा, उसमें कितने क्या क्या परिवर्तन हुए, फिर उसके बाद जो है किशोरावस्था का अध्ययन किया जाएगा, फिर परिपक्वावस्था का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अध्ययन किया जाता है, यानी कि जन्म से नहीं बल्कि गर्भावस्था से उसका मानव जीवन का प्रारंभ होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, बल्कि जीवन का प्रारंभ जो है गर्भधारण के समय से होता है। ठीक है, इसमें वही चीज़ बताई गई जो मैंने अभी बताया। ठीक है, और मानव का जन्म तो मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है। ठीक है, यह वह परिवर्तन है जिसमें मानव प्राणी आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाहरी वातावरण में पदार्पण करता है। ठीक है, तो इसमें तो वही चीज़ बताई गई है कि मानव का जो जन्म है, ठीक है, जब वो गर्भावस्था से बाहर आता है, ठीक है, बाहर की दुनिया में आता है, ठीक है, तो वो जो जन्म है वो तो एक मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक छोटा सा परिवर्तन है। ठीक है, एक परिवर्तन है जिसमें मानव
मानव जो है आंतरिक आंतरिक वातावरण को त्याग कर, यानी कि पहले वो माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, वो आंतरिक वातावरण हुआ, फिर वो बाहर आया, तो यानी कि बाहरी वातावरण में वो प्रवेश कर जाता है, यानी कि एक जो मानव विकास का क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है, ठीक है, जन्म तो एक परिवर्तन है, ठीक है, जो आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाहरी वातावरण में आता है, ठीक है, और आंतरिक वातावरण को आंतरिक वातावरण को त्यागना और बाहरी वातावरण में पदार्पण होना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, कि वो आंतरिक वातावरण को त्याग देता है और बाहरी वातावरण में प्रवेश करता है, ठीक है, जब शिशु का जन्म हो जाता है तो बाहरी वातावरण में आ जाता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, और यहाँ से देख लेते हैं, आंतरिक वातावरण की अपेक्षा बाहरी वातावरण में उसका वातावरण में मानव प्राणी में रहने की अवधि अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। देखो गर्भावस्था में तो 9 महीने ही रहता है, लेकिन वो बाहरी वातावरण में जो है उसकी समय अवधि बहुत ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर वही वर्णन किया गया, यानी कि जो मानव जीवन है, ठीक है, वो 100 वर्ष का है, लगभग 100 वर्ष का होता है, ठीक है, अब तो जितनी भी आयु रह गई हो, लेकिन हम जो मानते हैं आयु, ठीक है, वो 100 वर्ष की मानते हैं, ठीक है, इसमें जो है अपेक्षाकृत, देखो गर्भावस्था में तो 9 महीने आंतरिक वातावरण जो रहता है गर्भावस्था में वो 9 महीने का रहता है, बहुत छोटा है 9 महीने, ठीक है, लेकिन वो बाहरी वातावरण में जब वो पदार्पण करता है, ठीक है, तो वो जो है उसकी आयु ज़्यादा रहती है, 100 वर्ष की रहती है लगभग, ठीक है, वैसे तो कितनी भी रहो, देख लेते हैं और आगे, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आंतरिक वातावरण का महत्व कम है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाहरी वातावरण है उसकी उसमें जो मानव की आयु है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गर्भावस्था में 9 महीने ही रहता है तो उसका महत्व नहीं है, उसका भी महत्व है, ठीक है, जो गर्भावस्था में शिशु रहता है, ठीक है, घर में जो शिशु रहता है उसका भी महत्व है, भले ही वो 9 महीने रहता है, ठीक है, तो उसका भी महत्व, परिवर्तन होते हैं गर्भावस्था में उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता, यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, ठीक है, वातावरण का महत्व कम नहीं है, ठीक है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आंतरिक वातावरण का महत्व कम है, ठीक है, यानी कि आंतरिक वातावरण का महत्व भी कम नहीं है, ठीक है, बल्कि उसका भी महत्व है, ठीक है, इसका मतलब ये है दोनों वातावरण के महत्व अपनी अपनी जगह अभूतपूर्व और आवश्यक हैं। इसमें ये कहा गया है कि दोनों ही वातावरण बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और अपनी अपनी जगह अभूतपूर्व और आवश्यक हैं, दोनों ही वातावरण बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, गर्भावस्था काल का भी जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा वातावरण बहुत अच्छा है, उसका भी महत्व है, और जो बाहरी वातावरण है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, मानव विकास का यत्पित जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, परंतु बाल विकास विषय में परिपक्व अवस्था तक होने वाले, यहाँ पर यह बताया गया है कि मानव जीवन तो जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा, ठीक है, मानव का जो विकास है, ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि मानव का जो विकास है वो तो जीवन पर्यंत चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विकास बताया गया है, परंतु बाल विकास यानी कि जो बाल विकास का विषय है जो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, उसमें जो हमें पढ़ने के लिए मिलेगा वो हमें सिर्फ गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक ही मिलेगा बाल विकास के अंतर्गत, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। वैसे तो मानव जीवन का जो मानव विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाला है, यदि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक वो जिएगा जब तक उसका विकास चलेगा, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक यानी कि परिपक्व अवस्था तक ही अध्ययन किया जाता है, इसमें वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ बाल विकास के उपागम, आप उपागम कैसे याद करेंगे, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा उससे आपकी याद हो जाएगा, देखो आपको एक चीज़ याद करना है विप्र देव, ठीक है, आपको विप्र देव याद करना है और इसी से जो है आपकी सभी ये पांच हेडिंग है ये सभी कवर हो जाएंगे इस विप्र देव की ट्रिक से, ठीक है, ये शब्द है आप इसको याद कर लेंगे और इसी से सारे निकल जाएंगे, जैसे इस बी का मतलब हो गया विकासात्मक, ठीक है, और प्रे का मतलब हो गया प्रयोगात्मक, और दे का मतलब हो गया दैहिक उपागम, और व्य का मतलब हो गया वित्तित्व उपागम, और एक व्य का मतलब हो गया विकासात्मक, ठीक है, तो इस तरह से है, और विशिष्ट एक विशिष्ट भी है, देख लो यहाँ पर है विशिष्ट अध्ययन उपागम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ और अच्छे से देखिए आपकी मेन चीज़ क्या है, अगर एक बार को आपका ये चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है, और आपने हेडिंग लिख दी है, ठीक है, तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, आपने हेडिंग लिख दिया और जो भी आपकी समझ में आता है वो आपने यहाँ पर 2-3 लाइन पेपर में लिख दी और फिर दूसरा हेडिंग लिख दिया और 2-3 लाइन अपने समझ के अनुसार लिख दी, तो समझ लो कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, तो मेन चीज़ सबसे पहले क्या है, मेन चीज़ सबसे पहले ये हेडिंग है, ठीक है,
इतना हेडिंग आपको याद होना चाहिए। आप पेपर में हेडिंग भी लिख के आते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है समझता है कि इसको कुछ ना कुछ आता है, कि इसने पढ़ा है, ठीक है, तो मार्क्स दे देता है। हेडिंग बने हुए होंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, और हेडिंग नहीं होंगे तो कट कटा के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना के जरूर लिखना, ठीक है। तो मैं हेडिंग ही बता रहा हूँ सबसे पहले, तो हेडिंग मेन है, और ये अंदर का भी बताऊँगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ फिर। तो इसमें देख लेते हैं प्रयोगात्मक उपागम, ठीक है। तो इस उपागम के द्वारा जो है प्रयोगात्मक उपागम है क्या, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है क्या, इसमें क्या, इसमें क्या होता है, इस उपागम में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं, इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, यह अध्ययन किया जाता है। इस प्रयोगात्मक उपागम में यही दे रखा है कि कार्य कारण का संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, कि कौन सा कार्य है उसका कारण संबंध, ठीक है। बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है इसमें, ठीक है। और इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार की परिस्थिति में उत्पन्न होता है, ठीक है, किस परिस्थिति में विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें एक विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न होता है, यानी कि एक कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि एक विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न होता है एक बालक में, ठीक है, कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि एक विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न होता है, या क्या वह बच्चा व्यवहार करेगा, विशिष्ट व्यवहार करेगा, ठीक है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ठीक है, या एक परिस्थिति विशेष में, यानी कि एक विशिष्ट परिस्थिति है उसमें व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार के किस किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, यह अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर दो चीज़ बताई गई हैं कि एक बच्चा है और उसका एक विशिष्ट व्यवहार है, तो वह किस परिस्थिति के अनुसार वह विशिष्ट व्यवहार कर रहा है, ठीक है। यदि एक बच्चा कोई विशिष्ट व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार जो है वो किस परिस्थिति से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज कही है। और आगे क्या गया, आगे क्या कहा गया है, या एक परिस्थिति विशेष, यानी कि एक परिस्थिति बहुत ज्यादा विशेष हो रही है जिसमें कि वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है स्थिति विशेष कर दी गई है, और वह व्यक्ति क्या व्यवहार करेगा, किस प्रकार का व्यवहार करेगा, वहां पर उस चीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पहले वाले में क्या कहा गया कि वह एक बहुत विशिष्ट व्यवहार कर रहा है, और तो वो जो विशिष्ट व्यवहार है वो किस परिस्थिति के कारण कर रहा है, या किस परिस्थिति में उत्पन्न हो रहा है वह व्यवहार, ठीक है। कि मान लो कि एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं, व्यवहार है, जैसे मान लो कि एक बच्चा है सुबह को जल्दी उठता है, ठीक है, और नहाता है, नाश्ता भी करता है, ड्रेस भी अच्छे से पहनता है, ठीक है, और ये पता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, यानी कि उसका क्या है, व्यवहार विशिष्ट है, ठीक है। लेकिन किस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसका क्या घर का माहौल इस तरह का है, परिस्थिति कैसी है, क्या तो घर की परिस्थिति बहुत अच्छी है कि समय बहुत मैनेज करके रखते हैं, या फिर बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, फैमिली के जितने भी मेम्बर होते हैं, या फिर कौन सी परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति है, या कॉलेज जो है बहुत अच्छा है, उसमें सभी चीज़ें बताते हैं कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए, नहाना चाहिए, और ड्रेस माना चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, शूज़ पहन के आना चाहिए, और अच्छे से कपड़ा प्रेस हुई हो और कपड़े धुले हुए हों, ठीक है। तो इस तरह या तो कॉलेज का माहौल अच्छा है, या फिर फैमिली का माहौल अच्छा है, ठीक है, किस तरह का है, तो वो परिस्थिति यहाँ पर हो जाती है, कौन सी परिस्थिति है, कॉलेज की परिस्थिति है या फैमिली की, ठीक है, परिवार की। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक विशिष्ट व्यवहार कर रहा है बच्चा, और उस परिस्थिति का पता लगाया जा रहा है कि वह कौन सी परिस्थिति है कि वह यह विशिष्ट व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले में क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले में यह कहा गया है कि एक परिस्थिति विशेष है, जैसे मान लो कि हमने किसी बच्चे का एडमिशन कॉलेज में कराया है, ठीक है, और वहाँ की परिस्थिति कैसी है, बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत अच्छे से बताते हैं, अच्छे से होमवर्क करना है, अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे से उसमें संस्कार भी देते हैं, संस्कृति संस्कार, अच्छा सा कल्चर है, ठीक है, वातावरण बहुत अच्छा है, बोलचाल भी अच्छी है, सभी चीज़ सिखाते हैं, यानी कि एक परिस्थिति विशेष हो गई, कहाँ की परिस्थिति विशेष हो गई, कॉलेज की, स्कूल की, ठीक है। और वो किस टाइप का व्यवहार करेगा, बच्चा व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार को व्यक्त करेगा, यह अध्ययन किया जाता है। यदि कॉलेज में ये परिस्थितियां हैं तो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ठीक है। मान लो कोई बहुत बेकार बच्चा है, ठीक है, गाली देता है,
होमवर्क नहीं करता है, ड्रेस नहीं पहनता है, ठीक है, नहाता भी नहीं है, नाखून भी बड़े बड़े रहते हैं, बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, कटे हुए नहीं है, तो उसको अच्छे कॉलेज में डाल दिया, एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया, तो वह बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करेगा उस कॉलेज में जाने के बाद, और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत विशेष हैं, तो आप सोच सकते हैं किस तरह का करेगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने उदाहरण आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं देहिक उपागम, ठीक है। तो नाड़ी संस्थान प्राणी प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी हो, ठीक है, ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। देहिक में क्या होता है, यहाँ देहिक की बात हो रही है, यहाँ फिजी एक शारीरिक चीज की बात हो रही है, ठीक है। ये क्रिया शारीरिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, दिमाग वाली भी हो सकती है और शरीर वाली भी हो सकती है। यहाँ पर देहिक में, देहिक भाग में ये आता है, ठीक है। देहिक में क्या आएगा, या तो शारीरिक क्रिया के बारे में आएगा या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के बारे में आएगा, दो ही चीज़ यहाँ पर देहिक भाग में पढ़ने के लिए मिलती है। आगे देख लेते हैं क्या है, बाल विकास को देहिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है, ठीक है। फिर क्योंकि जैविक आत्म तथा मानसिक आत्म, ठीक है, मानसिक आत्म एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, ठीक है, यानी कि जैविक आत्म है और तथा मानसिक एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि शरीर स्वस्थ तो मस्तिष्क स्वस्थ, शरीर स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें, शारीरिक क्रियाओं जितनी ये क्रियाएं जो है शारीरिक भी हो सकती हैं और ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, यानी कि मानसिक वाली भी हो सकती है, ठीक है। इसमें उन दोनों चीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो है गर्भकालीन शिशु की बात कर लेते हैं, या फिर नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इसी उपागम के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो गर्भकालीन शिशु होते हैं या नवजात शिशु होते हैं उनका व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है या उनकी जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान मुख्य रूप से इसी उपागम के द्वारा ही किया जाता है, यानी किसके द्वारा, देही उपागम के द्वारा, यानी कि ये क्रियाएं मानसिक भी हो सकती है और ये शारीरिक भी हो सकती है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इसको हैंडल किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा देख लेते हैं, विकासात्मक उपागम, ठीक है। तो इसमें यह हो गया विकासात्मक उपागम, ठीक है। जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है, यानी कि जब एक बालक जो है नई विकास अवस्था में पहुंचता है, तब उसमें कुछ नई रुचियों, अभिवृत्तियों, लक्षणों और शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय है विकसित या निर्मित होता है, ठीक है। विकासात्मक उपागम में ये चीज़ आती है, ठीक है, कि उसमें कुछ नई रुचियों, अभिवृत्तियों, लक्षणों, शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय विकसित या निर्मित होता है, ठीक है। विकासात्मक यानी कि जब विकास होगा तो उसमें अभिरुचियाँ भी आएंगी, ठीक है। जब बालक है तो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जाएगा, यानी कि बालक की कुछ नई रुचियाँ बढ़ेंगी, अभिवृत्तियाँ बढ़ेंगी, लक्षण बढ़ेंगे, शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि विकास होगा उनमें भी, ठीक है। नई नई रुचियाँ बढ़ेंगी, नई नई अभिवृत्तियाँ, व्यवहार में थोड़ा चेंज आएगा, लक्षणों में चेंज आएगा, शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय विकसित या निर्मित होता है, ठीक है। इनका ये जो है ये भी निर्मित होंगे, ये भी विकसित होंगे, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होगा। इस प्रकार के विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं, ठीक है। यद्यपि गर्भधारण की अवस्था से युवा अवस्था तक विकास के क्रमिक परिवर्तनों में एक नियंत्रता होती है, यानी कि जो गर्भधारण की अवस्था है उससे लेके युवा अवस्था तक जो है एक जो विकास में क्रमिक विकास होता है, ठीक है, क्रमिक विकास होता है, क्रमिक परिवर्तन होते हैं उसमें, एक निरंतरता रहती है उसमें, ठीक है। कैसे ऐसे विकास होगा, आपने देखा होगा लंबाई का विकास हो रहा है, ठीक है, और वजन भी बढ़। व्यक्तित्व संबंधी उपागम में हम क्या करेंगे देख लेते हैं, उसमें व्यक्तित्व संबंधी उपागम, ठीक है, ये आपका हेडिंग हो जाएगा चौथा, ठीक है। और इसमें जो है बाल विकास विषय की समस्याओं को समझने का, यानी कि जो बाल विकास विषय की जो समस्याएं हैं उनको समझने का यह भी एक उपागम है, ठीक है, क्योंकि बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी ना किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। इसमें जो ये कहा गया कि बालक का जो प्रत्येक व्यवहार है उस
बालक के व्यक्तित्व के किसी ना किसी पहलू को जरूर अभिव्यक्त करता है, ठीक है, जो उसका व्यवहार है, ठीक है। बालक का प्रत्येक व्यवहार जो है बालक के व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को किसी ना किसी रूप में जो है पहलू को जो है अभिव्यक्त करता है, ठीक है, दिखाता है। जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जन्म से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और भिन्न 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 व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न भिन्न यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के किसी भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार यानी कि जितने भी भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं, ठीक है, वाले जो व्यक्ति हैं उनका व्यवहार भी भिन्न भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग होगा। जिनका व्यक्तित्व अलग अलग है उनका जो व्यवहार है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है तो दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसका व्यवहार जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन अभिवृत्तियों और आदतों आदि के कारण से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें जो है व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता यानी कि जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसके जो शील गुण हैं उसकी स्थिरता जो है व्यक्ति के समायोजन से आती है, ठीक है। यदि व्यक्ति के अंदर कॉम्बिनेशन बढ़ाने की क्षमता है तो व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। और अभिवृत्तियों की समायोजन की अभिवृत्तियों की और आदतों आदि के निर्माण से संबंधित होती है, ठीक है, उनकी आदत से होती है, आदत आदि के निर्माण से होती है, ठीक है, संबंधित है, ठीक है। व्यक्तित्व के शील गुण जो है इसकी स्थिरता जो है व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता जो है आदत समायोजन और अभिवृत्ति के निर्माण से होती है, ठीक है। अंतः व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर जो ही व्यक्ति का जो है समायोजन अभिवृत्ति और आदतों आदि के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि अंत है जो उसके अंदर के व्यक्तित्व के शील गुण है उसके आधार पर व्यक्ति के समायोजन की कि वह व्यक्ति कितना समायोजन बढ़ाने में सक्षम है या फिर उसकी आदत के बारे में और उसके अभिवृत्तियों के बारे में जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के अंत है व्यक्तित्व को जानकर उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि उसके समायोजन के संबंध में वह कितना समायोजन बिठा सकता है, उसकी अभिवृत्ति कैसे होगी और उसकी आदत यानी कि व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर पांचवा हेडिंग। मैंने आपको ट्रिक बताई है विप्रदेव। विप्रदेव से क्या होगा आपके सभी हेडिंग जो है याद रहेंगे, ठीक है। अभी मैं इस पांचवा हेडिंग को कर लूँगा कंप्लीट, ठीक है, और अच्छे से बताता हूँ फिर। विशिष्ट अध्ययन उपागम, ठीक है, इसमें क्या होगा विशिष्ट वाली में, इसमें यह है कि बाल विकास विषय बाल मनोविज्ञान का ही एक यानी कि जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान का ही एक जो है विकसित रूप है, ठीक है, जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान की का विकसित रूप है और इस जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है, यानी कि बाल विकास की जो है एक अध्ययन प्रणाली है, ठीक है, विशिष्ट। और बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है, पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली तथा दूसरी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। अब इसमें क्या ये देख लेते हैं, इसमें यह है कि जो बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याएं हैं, ठीक है, जो बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का जो है अध्ययन जो है वो दो तरीके के साथ किया जाता है, दो प्रणालियों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। विशिष्ट अध्ययन उपागम यानी कि विशिष्ट, इसमें देखो खुद ही इस हेडिंग में पढ़ के ही पता चल रहा होगा, इसमें दिया हुआ है विशिष्ट अध्ययन प्रणाली यानी विशिष्ट अध्ययन उपागम यानी कि विशिष्ट अध्ययन में दो प्रणाली होती है बाल विकास का अध्ययन करने के लिए। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। पहली तो हो गई पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली। समकालीन का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में है, ठीक है, पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली जो वर्तमान में चल रही है प्रणाली, उसके द्वारा जो है बाल विकास का अध्ययन करना। और दूसरा इसमें क्या कहा गया है तथा दूसरी जो दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली है, तो दीर्घकालीन का मतलब है जो बहुत पुराने समय से जो है विधि से अध्ययन प्रणाली की जाती है, यानी कि जैसे कि बाल विकास का जो अध्ययन है जैसे कि पूर्व में होता था, यानी कि जैसे कि लंबे समय से चला आ रहा है बाल विकास का अध्ययन, उसी तरीके उसी प्रणाली से करेंगे। और दूसरा जो है समकालीन प्रणाली, समकालीन में आता है वर्तमान में, जैसे कि वर्तमान में जिस तरीके के साथ बाल विकास का अध्ययन किया जाता है उस तरीके से करेंगे, तो उसमें आएगा समकालीन। और दीर्घकालीन में आएगा दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली में वो आएगा जो लंबे समय से चलता आ रहा है बाल विकास के संबंध में अध्ययन, जैसे करते आ रहे हैं हम पहले से वैसा ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और देख लेते हैं इसमें जो है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पांच हेडिंग, और पांच हेडिंग आपको कैसे याद करने मैं बता देता हूँ। देखिए एक ये है विप्र देव, ठीक है, आपको ये शब्द याद रखना है और आपके पांच हेडिंग हो जाएंगे। देखो जिससे क्या होगा,
विकास आत्मा उपागम, ठीक है, विषय क्या होगा, विकास आत्मा उपागम। और देखिए यह है तीसरा हेडिंग, है नहीं है ये वाला, देखिए यह है, यह नहीं है तीसरे उस पर, ये ठीक है, विकास आत्मा उपागम हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं इससे, प्रेस से, प्रेस से क्या होगा, प्रयोगात्मक उपागम हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा हेडिंग है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हेडिंग हो जाएगा प्रयोगात्मक। और इससे क्या होगा, पैसे क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक। और दे से क्या हो जाएगा, देहिक उपागम, ठीक है, दे से क्या होगा, देहिक उपागम। और वैसे क्या होगा, दो हो जाएंगे, वैसे एक तो हो जाएगा वित्तीय संबंधी उपागम और एक हो जाएगा विशिष्ट अध्ययन उपागम। देखो बी से जो है वो दो हैं, कौन कौन से हैं, बी से क्या, तो ये वाला ले लो, ठीक है, ये बी वाला ले लो, बी से दो हैं, कौन कौन से हैं, एक हो गया विकासात्मक उपागम और एक हो गया हमारा विशिष्ट अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन उपागम, ठीक है। तो हमारे कैसे कैसे हो जाएंगे देख लेते हैं एक बार, देखो बी का तो हो जाएगा विकासात्मक और दूसरा हो जाएगा विशिष्ट अध्ययन उपागम, ठीक है, ये दो हो गए हेडिंग। और प्रेस हो जाएगा प्रयोगात्मक और देश हो जाएगा देहिक उपागम और वैसा हो जाएगा वित्तीय संबंधी उपागम, ठीक है। तो आपके एक शब्द से जो है पांचों हेडिंग जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। विप्रदेव, आपको एक शब्द याद रखना है विप्रदेव, और उसी से जो है सारी चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इस बीच हो जाएगा आपका विकासात्मक और विशिष्ट अध्ययन उपागम, ठीक है। और प्रेस हो जाएगा प्रयोगात्मक और देश हो जाएगा देहिक उपागम और वैसा हो जाएगा आपका वित्तीय संबंधी उपागम। तो ये आपको शब्द जो है याद कर लेना है और इसी शब्द से जो है आपको पांचों हेडिंग याद रहेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और इसमें क्या है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि बाल विकास की प्रकृति एवं महत्व क्या है, कैसे हम, ठीक है। तो पहला हेडिंग देख लेते हैं, इसमें क्या है आपको मिलेगा, बालकों के स्वभाव को समझने की दृष्टि से, यानी कि बाल विकास की प्रकृति क्या है, बाल विकास का महत्व क्या है, कि हमें इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों हमें बी एड में इसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, हमें बी एड में बाल विकास इसलिए पढ़ने के लिए दिया जाता है जैसे कि हम बच्चों का स्वभाव को अच्छे से समझ सकें, बालकों को अच्छे से शिक्षण दे सके, उनकी शिक्षा की दृष्टि से दिया जाता है बाल विकास, जैसे कि हमें बालक के स्वभाव का पता चले और हमें शिक्षा की दृष्टि से भी है, देखना। देखो दूसरा कैसा है, दूसरा इसमें ये है बालकों के शिक्षण और शिक्षा की दृष्टि से। और तीसरा इसमें क्या है हेडिंग देख लेते हैं, बालकों के विकास को समझने की दृष्टि से, ठीक है। यानी कि बाल विकास जो पढ़ाया जाता है या आपको बी एड में जो पढ़ने के लिए दिया जाता है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उसका महत्व क्या है, इसका महत्व यही है कि बालकों को अच्छे से, उसके स्वभाव को अच्छे से समझ सकें, उसके विकास को अच्छे से समझ सकें, और बालकों के शिक्षण और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कि उसको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कैसे समझवाएगा। और चौथा हो जाता है हमारा बालकों के प्रभावी वातावरण बनाने की दृष्टि से, यानी कि बाल विकास से पढ़ने से यह होता है कि बालकों के लिए प्रभावी वातावरण बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है। और पांचवा हो जाता है हमारा बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने की दृष्टि से, बालकों का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, उसका विकास कैसा होना है। और छठा हमारा हो जाता है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण की दृष्टि से, कि बालकों के व्यवहार पर किस तरह का नियंत्रण रखना है या कैसे करना है, ठीक है। तो बाल विकास पढ़ने से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे भी है, ये रहा, ठीक है, नौ हेडिंग है, बहुत अच्छा है। और सातवा हो जाता है निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से, यानी कि बाल विकास हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम अच्छे से निर्देशन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, कि ठीक है, गाइडेंस कर सकते हैं बालकों को, ठीक है। पूर्व कथन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बाल विकास, ठीक है, पूर्व किसी के बारे में हम पूर्व कथन भी कर सकते हैं, ठीक है, बाल विकास पढ़ने से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है, फिर है ना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। और नवा जो है हमारा ये हो जाता है कि सुखी एवं समृद्ध जीवन की दृष्टि से भी जो है बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको इसमें से पाँच हेडिंग ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। देख लेते हैं फिर बालकों के स्वभाव को समझने की दृष्टि से, ठीक है, कम से कम पांच हेडिंग तो होनी ही चाहिए, और ज़्यादा ज़्यादा कितने भी लिख लो, छः पेज का तो कम से कम होना ही चाहिए। और इसमें जो है बालकों के स्वभाव की, बालकों के स्वभाव को समझने की दृष्टि से, बालकों के स्वभाव को समझने की दृष्टि से क्या है, आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, बालक के विभिन्न आयु स्तरों पर बालक के विभिन्न व्यवहार विशेषताओं का अध्ययन तथा विभिन्न व्यवहारों में होने वाले किण्वित परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। बालक के विभिन्न आयु स्तरों पर, यानी कि जो बालक है उसके बहुत सारे आयु स्तर होते हैं, ठीक है, और बालक की विभिन्न व्यवहार विशेषताओं, यानी कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों के बालकों की जो भिन्न भिन्न व्यवहार की विशेषताएं हैं उसका जो है अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, जो उनमें किण्वित परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है।
क्रम से जो परिवर्तन हो रहे हैं उन बालकों में उसका अध्ययन किया जाता है। कौन से आयु के स्तर के बालकों में कौन सा व्यवहार देखा जाता है तो उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, जो कि बाल विकास की शाखा है। ठीक है, बाल विकास के ये सभी प्रकार के अध्ययन, यानी कि जो बाल विकास के ये सभी प्रकार के अध्ययन जो है बालक को, बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत अधिक सहायक है। ठीक है, जितने भी प्रकार के अध्ययन है, ठीक है, बाल विकास के ये सभी जितने भी अध्ययन है, जो बाल विकास की किताब है, ठीक है, जो बाल विकास है, ठीक है, उसमें जितने भी अध्ययन है, ठीक है, जितने भी अध्ययन है बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत सहायक है। बाल विकास से क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बालकों का जो व्यवहार है वो अच्छे से हम समझ सकते हैं, स्वभाव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें बालकों के विभिन्न आयु स्तरों के व्यवहार की विशेषताओं का किण्वित परिवर्तन जो होता है उसका बहुत अच्छे से अध्ययन उसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन से उनकी विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा बालक की अंतःक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कह रहा है कि बाल विकास के अध्ययन से क्या है, उसकी विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं हैं और मानसिक योग्यताएं हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का, यानी कि जो मानसिक बालक की जो मानसिकता पता चलेगी, ठीक है, उस बाल विकास से उसकी बालक की शारीरिक प्रक्रिया पता चलेंगी, उसका अध्ययन करने के बाद बाल विकास में सभी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषता के बारे में पता चलता है। ठीक है, तथा बालक की अंतःक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसके भीतर क्या चल रहा है उसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, ठीक है, कैसे आदत रहेगी, कैसे व्यवहार रहेगा, कैसे हुआ, सभी चीज़ों के बारे में पता चल यहाँ पर जाता है। ठीक है, वास्तव में इस ज्ञान के आधार पर बालकों की प्रकृति को अच्छे तरह से समझा जा सकता है, यानी कि जो बालकों की प्रकृति है उसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जो बालकों का स्वभाव बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये पहला हेडिंग हो जाता है। आपको हेडिंग जो है बहुत अच्छी तरीके के साथ जो है याद करनी है, कम से कम 5 हेडिंग आपको जरूर याद करनी है। और कैसे लिखना है, आपको पेपर में जो है फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे आपने एक पेपर हुआ, ठीक है, आपका जैसे मान लो कि पेपर है, तो आपको पेपर पर क्या होगा कि आपको लिखना है। ठीक है, आपने जैसे मान लो ये लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखना है बाल विकास की प्रकृति एवं महत्व, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। फिर आप ऐसे करके लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद आप ऐसे करके बनाएंगे, फिर एक डिब्बा ऐसे करके, और उसमें जो है अपना पहला हेडिंग इसमें लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरा हेडिंग ऐसे करके डिब्बा बनाएंगे, और इसमें बॉक्स जो बनाने के बाद उसमें जो है दूसरा हेडिंग लिख देंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग हो जाएगा, इसमें दूसरा हेडिंग, इसी प्रकार जो है नीचे को जो है लाइन खींच के आपके कम से कम 5 हेडिंग जो है होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के आपको बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको जो ये वाला जो रहेगा ये मेन रहेगा। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज लिखनी है, क्या लिखना है, बाल विकास की प्रकृति एवं महत्व, जो आपका मेन है मेन रहेगा वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जितने भी नीचे है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, आपको सारे हेडिंग जो है इस तरह से लिखने हैं, नीचे लाइन खींच देंगे और फिर यहाँ पर ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा आपका फ्लो चार्ट। तो आपका जो एक पेज होगा वो एक पेज पे जो है आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और आपके जो 6 पेज की जो क्वेश्चन लिखना होता है उसमें आपका एक पेज बढ़ जाता है। ठीक है, आपका एक पेज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, आपको हेडिंग बनाकर जरूर लिखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हेडिंग जरूर याद करके लेके जाना है। ठीक है, तो कम से कम आपके 5 हेडिंग जरूर होने चाहिए। ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और समय समय पर जो है बहुत अच्छे सुझाव भी दूंगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको भी जरूर लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके सहपाठी उनमें जरूर शेयर करें। ठीक है, आप देख लेते हैं दूसरा, बालकों के शिक्षण और शिक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बालकों का स्वभाव समझ में आ जाएगा, बालकों का व्यवहार समझ में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसको उसी प्रकार से उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है, बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे उसकी शारीरिक मानसिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है बच्चा, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें सीखने की क्षमता भी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी योग्यता बढ़ेगी, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, उसकी मानसिक योग्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे वो सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ठीक है, साथ ही साथ वह जटिल चीज़ों को सीखने के लिए अधिक और अधिक योग्य होता जाता है। यानी कि जितनी भी जटिल चीज़ें हैं वो सीखने के लिए अधिक से अधिक जो है योग्य होता चला जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा शारीरिक रूप से, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैसे वैसे जो है वो जटिल चीज़ों को भी सीखता चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, प्रारंभ में वह अपनी माँ के चेहरों को पहचानना, बच्चा क्या होता है सबसे प्रारंभ में जो है अपने माँ के चेहरे को ही पहचानता है। ठीक है, पहचानना सीखता है, फिर अन्य परिवारजनों अथवा उसके निकट रहने वाले लोगों को, यानी कि सबसे पहले वो माँ के चेहरे को ही जानना वो स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे उसकी मानसिकता बढ़ती चली जाती है, सारी लोग से जैसे जैसे उसकी क्षमताएं योग्यताएं बढ़ती जाती हैं,
जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे जो है वो सीखता चला जाता है, ठीक है, उसकी जटिल चीज़ों को सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, पहले वो अपने माँ के चेहरे को पहचानना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या है, फिर अन्य परिवारजनों अथवा उसके निकट रहने वाले लोगों को पहचानना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर वही लाइन यहाँ पर दी गई है कि वो सबसे पहले अपने मम्मा को जानेगा, मम्मी को जानेगा, फिर उसके बाद जो है जितने भी परिवारजन है उनको जानेगा या उसके आस पास जितने भी निकट रहने वाले हैं लोग उनको जानना पहचानना स्टार्ट करेगा। इस प्रक्रिया के द्वारा उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, बोलना आदि सब कुछ सीखता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया के दौरान जो है वो बोलना भी सीखेगा, बैठना भी सीखेगा, चलना भी सीखेगा, कूदना भी सीखेगा और सभी चीज़ वो सीखता चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, विभिन्न कौशलों का अधिगम भी वह करता है, यानी कि बहुत सारे कौशल को भी वह सीखता है, ठीक है। कुछ विशेषताएं भी है, परिपक्वता के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण सीखता है, ठीक है। तो सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसके कारण भी सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, और जैसे वो समाज में जाएगा तो उनके बीच में जाके, ठीक है, बातचीत करेगा या जो भी अंतःक्रिया होगी उसके कारण भी सीखता है, ठीक है। परंतु अन्य विशेषताओं और गुणों को बालकों को सिखाना भी पड़ता है, यानी कि बच्चे वो जब समाज में जाकर जैसे वो समाज में प्रवेश करेगा तो साथ में वो चीज़ों को सीखेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसे परंतु अन्य विशेषताओं और गुणों को बालकों को सिखाना भी पड़ता है, यानी कि बालक को जो है अन्य विशेषताएं भी सिखानी पड़ती है, अन्य गुण भी उसको सिखाने पड़ते हैं, ठीक है। बालकों को सिखाने में उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान बहुत उपयोगी है। देखिए यहाँ पर जो है समाज में जब जाएगा तो अंतर्क्रिया करेगा, यानी कि बातचीत करेगा, वहाँ पर उठेगा बैठेगा, तो वो चार चीज़ें सीखेगा, ठीक है, बहुत अच्छी हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, अन्य विशेषताएं और गुणों को सीखने के लिए, यानी कि अच्छी विशेषताओं को सीखने के लिए, अच्छे गुणों को सीखने के लिए जो है कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, यहाँ पर वही चाहिए गई है, बालकों को सिखाने में उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि उसकी जो शिक्षा है बहुत बहुत ज़्यादा सहायता करती है, उसका प्रशिक्षण जो है बहुत ज़्यादा सहायता करता है, बाल विकास का ज्ञान जो है बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और तीसरा हेडिंग देख लेते हैं, बालकों के विकास को समझने की दृष्टि से, ठीक है। जो बालकों के विकास को समझने की दृष्टि से देख लेते हैं कि बालकों का जो विकास होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो सभी बालकों का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, यानी कि यहाँ पर नियमों के एक ही बार है, ठीक है, सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, ठीक है। जो बाल विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, यानी बाल विकास जो होता है, सभी बालकों का जो विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, इसको देख लेते हैं। परंतु बालकों का विकास समान प्रकार से नहीं होकर उनमें कुछ वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि सभी बच्चों का जो विकास है वो समान रूप से नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, कुछ ना कुछ उसमें जो है भिन्नता पाई ही जाएगी, ठीक है। एक बालक कब चलना सीखता है, कब बोलना सीखता है, कब कपड़े पहनना सीखता है, कब जो है कपड़ों में बटन लगाना और उतारना सीखता है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि बालक कब चलना सीखता है, कब बोलना सीखता है और कब जो है कपड़ों में बटन लगाना सीखता है और कब उतारना सीखता है, ठीक है। किस विकास अवस्था में जो है यौन परिपक्वता उत्पन्न होती है, ठीक है, और साथ में देख लेते हैं और क्या है इसमें दिया हुआ। गेसेल ने विकासात्मक कार्यों की एक सूची बनाई है, ठीक है। इन्होंने जो है केसल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विकासात्मक कार्यों की जो है सूची बनाई है, ठीक है। इस सूची से ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं, यानी कि जो विभिन्न विकास अवस्थाएं हैं और आयु स्तरों पर जो है बालकों में किन किन विशिष्ट व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि एक गेसल वैज्ञानिक है जिन्होंने की विकासात्मक स्तरों की जो है कार्यों की, यानी विकासात्मक कार्यों की जो है एक सूची बनाई है, ठीक है। इन्होंने सूची बनाई, सूची से क्या ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न जो विकास अवस्थाएं हैं, यानी कि जो बालक की जो विभिन्न विकास की अवस्थाएं हैं और आयु स्तरों पर जो है बालकों में किन किन विशिष्ट व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि बालक की जो विकास अवस्थाएं हैं उसमें वह उनके व्यवहार में कौन कौन से विशिष्ट व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है उसको जानने में बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। जो गेसेल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विकासात्मक कार्यों का एक सूची बनाई है, ठीक है। उस सूची में क्या है कि विभिन्न विकास अवस्था, यानी कि एक बच्चे की विकास अवस्था में कौन से विशिष्ट व्यवहार की उसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। मान लो कि एक बच्चा है, यानी कि बालक की जो विकास अवस्था मान लो कि जैसे बाल्यावस्था है, ठीक है, तो उसमें वह कौन सा व्यवहार करेगा, कौन सा विशिष्ट व्यवहार करेगा, किशोर अवस्था में कौन सा विशिष्ट व्यवहार करेगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आयु स्तर, पहले वो बाल्यावस्था का था, ठीक है, और फिर वो किशोरावस्था में जा रहा है तो वो किस तरह की विशिष्ट व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। और इस सूची में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर जो है बालकों की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का मानक भी उपलब्ध है। यहाँ जो है इस सूची में जो है भिन्न भिन्न आयु स्तर, यानी कि जो बालकों की भिन्न भिन्न आयु स्तर है उनके बालकों की शारीरिक और मानसिक, यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विशेषताओं का मानक भी उपलब्ध है, ठीक है। अब देख लेते हैं चौथा, देख लेते हैं कि बालकों के लिए प्रभावी वातावरण बनाने की दृष्टि से, यानी कि अगर हमें बाल विकास अच्छे से पता होगा तो हम बालकों के लिए एक प्रभावी वातावरण बना सकते हैं, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं और किस आयु के बालकों को क्या पसंद होता है, ठीक है, ये किस मान लो कि कोई किस आयु का बालक है उसको क्या क्या पसंद होगा, ये जो है बाल विकास में अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं
वहाँ पर भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियां होंगी, ठीक है, बालकों को क्या पसंद होता है और भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी रुचियां क्या होंगी, पसंद क्या होती है, ठीक है, इस बारे में जो है पता चल जाएगा और उसके हिसाब से जो है एक प्रभावी वातावरण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बाल विकास का महत्व बहुत ज्यादा है कि बाल विकास का महत्व यह है कि बच्चों का जो है हम स्वभाव समझ सकते हैं। ठीक है, साथ में बता दूं यहाँ पर बालकों के विकास की समझने की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और साथ में बता दूं और बालकों के शिक्षण यानी कि पढ़ाने के से भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। शिक्षा की दृष्टि से ही बालकों को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, उनकी किताबें किस तरह से बनाई जा सकती हैं, किस तरह की उसमें पाठ्य सामग्री रखी जा सकती है, बालकों की आयु स्तरों और बाल विकास को अध्ययन करने के बाद जो है बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, ठीक है, और पढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, हमारा यह प्रभावी वातावरण, यदि बाल विकास को अच्छे से समझ लेंगे तो बालकों के लिए एक प्रभावी वातावरण भी बना सकते हैं कि बालकों की किस आयु के बालकों को क्या पसंद होता है, भिन्न आयु स्तरों पर उसकी क्या क्या रुचियां होती हैं। ठीक है, तो इसका जो है इससे सबका ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त हो जाता है, यानी कि बाल विकास आप पढ़ोगे तो इन सभी बातों का जो है आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इस विषय के ज्ञान के आधार पर उनके खेलने की उपयुक्त सुविधा, उनकी पसंद के अनुसार रंग बिरंगी वस्तुएं, उपयुक्त समाज वातावरण को निर्मित करने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। ज्ञान ये बाल विकास है इससे पता चल जाता है कि बालकों की क्या पसंद है, उनके अनुसार रंग बिरंगी वस्तुएं क्या पसंद होंगी उनको, और उपयुक्त सामाजिक वातावरण को निर्मित करने में बाल विकास बहुत ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, उनको खेलने के लिए उपयुक्त तो सुविधा क्या होगी, उनकी पसंद क्या है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बाल विकास प्रणाली से पता चल जाती है। कई बार इसी विषय के ज्ञान के आधार पर जो है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है, यहाँ पर बहुत अच्छा वाक्य है यहाँ पर कि कई बार जो है इसी विषय के ज्ञान के आधार पर जो है रेडियो टेलीविजन पर मनोरंजक कार्यक्रम भी आते हैं। ठीक है, बाल विकास का अगर हम जान लेंगे बाल विकास को, ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज बताई गई है कि जो टीवी होता है, जो टेलीविजन होता है या रेडियो होता है, उसमें जो मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो बाल विकास के आधार पर ही दिखाए जाते हैं, यानी जो विषय है बाल विकास उसके आधार पर जो है, उसके ज्ञान पर जो है, उस पर जो मनोरंजक कार्यक्रम आते हैं, ठीक है, वो जो है ये बाल विकास विषय के आधार पर ही वो जो है रेडियो और टेलीविजन पर जो मनोरंजक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पांचवा हेडिंग, मैं यहाँ पर आपको पांच हेडिंग ही बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चार आपके हेडिंग हो चुके हैं और आपका एक हेडिंग और बताया पांचवा। ठीक है, देख लेते हैं बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने की दृष्टि से, यानी कि उनके व्यक्तित्व विकास को समझने की दृष्टि से पांचवा हेडिंग है, इसको समझ लेते हैं। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित है, यानी कि बाल विकास के अध्ययनों में जो व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित होता है, उनके व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी उसमें होता है। ठीक है, उसका पर्सनैलिटी कैसे होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है, और इन अध्ययनों से बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि बालकों का व्यक्तित्व है वह उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उससे ये चीज़ भी पता चल जाती है कौन कौन से कारक हैं जो एक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और साथ में बता दूं कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर जो है बालकों के व्यक्तित्व विकास की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी कि एक बालक के जो भिन्न भिन्न आयु स्तर हैं उन पर बालकों के जो व्यक्तित्व की विकास की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि इस आयु में बच्चे का ये व्यक्तित्व विकास होगा और दूसरे आयु के स्तर के बच्चे का ये जो है व्यक्तित्व विकास होगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर जो है भिन्न भिन्न जो है व्यक्तित्व विकास की जानकारी प्राप्त हो जाती है बाल विकास प्रणाली से। ठीक है, व्यक्तित्व विकास किन कारणों से असामान्य हो जाता है, यानी व्यक्तित्व विकास है यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी है वो किन कारणों से जो है असामान्य हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहती है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे कौन से कारण है, आदि प्रश्नों को जो है समझने में बाल विकास का ज्ञान सहायक होता है। ठीक है, कि व्यक्तित्व विकास किन कारणों से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बाल विकास प्रणाली से जो है बालकों का ये ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस विषय के ज्ञान के आधार पर यह भी ज्ञात हो जाता है कि व्यक्तित्व विकास जो है व्यक्तित्व विकास में होने वाले किन्मिक परिवर्तनों की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जो आपका बाल विकास है उसमें बालक के व्यक्तित्व में कौन कौन से किन्मिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उसकी आयु स्तर पर। ठीक है, कोई बच्चा मान लो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का, 8 साल का है, तो उनमें जो परिवर्तन होने वाले हैं, किन्मिक परिवर्तन होने वाले हैं उनके व्यक्तित्व में, वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो आपके जो ये 5 हेडिंग हो चुके हैं। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है और आपको अच्छे से पढ़ाने की, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कम से कम आपको 5 हेडिंग जरूर लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो चुका है, 6 पेज का आसानी से आप लिख दोगे। ठीक है, और 1 पेज का जो है आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, उसमें से आपको 5 पेज ही आपको लिखना है। ठीक है, 1 पेज पे तो आपका जो है फ्लो चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और आपको हेडिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप एक बार को ये अंदर का भले ही इधर उधर हो जाए, लेकिन आपने हेडिंग लिख दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और हेडिंग आपने लिख दिया तो कुछ 2-4 लाइनें तो आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी सोच समझ के, ठीक है, जो भी आपकी समझ में आया वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप जो है चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर भी दे दी जाती है इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन, वहाँ पर भी मिलती रहती है। ठीक है, और वहाँ पर जो है आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं हम। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।